ईवा बी ने हमारे जो ग्रैमी की स्टूडियोज थे वहाँ पे उन्होंने अपना गाना रिकॉर्ड कराया और वहाँ पर उनकी जी धूम मच गई है। और उसके अलावा हमारे पास ईवा बी का थोड़ा बहुत बताती भी चले ना। ओ हाँ, ईवा बी जो है वो हमारी बलोच सिंगर हैं और बलोचिस्तान से एक फीमेल सिंगर का होना एक बहुत बड़ी बात है और उनकी एक बड़ा तरीका है जो प्रेजेंटेशन जो उनकी है बड़ी डिफरेंट है। शी कवर्स हर फेस, वो अपना चेहरा नहीं दिखाती, मेकअप बच गया। हाँ, और वो रैप, बलोची रैप करती हैं, वेरी यूनिक बहुत। एंड जो मिस मार्वल है उसके अंदर भी इनके गाने हैं, एपिसोड में उनका गाना आया था। बड़ा बड़ा एनर्जेटिक इनके जो है ना वो डिलीवरी होती है। स्टेज पे टाइम स्क्वायर के बीच में परफॉर्म कर रही हैं, पाकिस्तान के नकाब के साथ को रिप्रेजेंट कर रही हैं। मैं इमेजिन कर सकता हूँ एक्साइटमेंट लेवल क्या होगा क्योंकि टाइम्स स्क्वायर मैंने विजिट किया है। अच्छा, एंड टाइम्स स्क्वायर में जब कोई भी परफॉर्मेंस होती है जो माहौल बनता है गूज़बम्प्स आते हैं, सो इट्स क्वाइट द जंक्चर। तो फिर इसका मतलब है कि हमारे लिए थोड़ा सा लम्हा फखरिया है फिर। यस इंडीड। एंड ईवा बी का जो आगाज हुआ था फेम की तरफ जब वो आई थी वो कोक स्टूडियो से ही हुआ था। एंड उसके बाद जाके लोगों ने फिर इनके म्यूजिक को सुनना शुरू किया एंड उसके बाद जाके इनको एक इंटरनेशनल रिकॉग्निशन भी मिली है। अब हमने सराहना है इससे पहले कि हम यहाँ भी कोई मसला निकाल लें, ठीक है ना, या कोई और हमारे टैलेंट को जो है वो पकड़ के ले जाए। जो बाकी सारी दुनिया जिनको लिफ्ट कराना शुरू करती है हम बड़े एंटी भी हो जाते हैं उनके, ये हमारा कुछ है। हाँ, थोड़ा सा मसला है, हमारी इनसिक्योरिटीज आ जाती हैं।